आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बेटे। अरे बेटा तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है सरमद भाई, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। मेरे हालात ने मुझे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है कि मैं कुछ आकर भी कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माफ कीजिएगा आंटी, मैं बस शायद यूं ही परेशान हो रहा हूं। बोलो बेटा क्या बात है, तुम हमें अपना समझ के सब बातें कर सकते हो। अंकल मुझे बहुत खुशी है कि मारो का रिश्ता दोबारा तय हो गया है और उम्मीद को रखने पर भी यासर के घरवाले राजी हो गए हैं। मगर अब जब मारुख शादी करके मेरी बच्ची को दूसरे घर ले जाएगी तो वहां पे एक अनजान शख्स मेरी बच्ची का बाप बनकर उसे पालेगा, उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। ये बात सोचकर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जब मेरी बच्ची बड़ी होकर मुझसे सवाल करेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? आप परेशान ना, उम्मीद की नजरों में हमेशा आप एक अच्छे बाप बनकर रहेंगे। आपने अपनी बेटी के लिए वो किया है जो एक बाप को करना चाहिए। मैं उम्मीद की परवरिश ऐसे करूंगी कि आपके सामने शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे। हाँ बेटे आप बिल्कुल परेशान ना हो। थैंक यू मारू, मुझे तुम पर यकीन है। जी अम्मी। क्या, कब, कैसे? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सब खैरियत से है ना बेटा? आंटी वो नीलम गिर गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खैर करे।